सभी को राधे राधे। आज हम लोग एस्ट्रोलॉजी के इस वीडियो में वृषभ लग्न की कुंडली में बनने वाले पांच प्रमुख राजयोगों के बारे में बात करेंगे। इनमें से अगर एक या दो भी अगर कुंडली में बन जाते हैं तो बहुत अच्छा भाग्य का लाभ ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होता है, या यूं कह लीजिए कि सडन उसकी किस्मत पलट सकती है अच्छे के लिए। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। ये वृषभ लग्न का चार्ट है। वृषभ लग्न में दो नंबर से इस भाव में शुरुआत होती है। ठीक, तो अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, पांच बताएंगे आपको। अब वृषभ लग्न की कुंडली में यहाँ पर चंद्रमा बैठा हो, ठीक, और यहाँ पर सूर्य बैठा हो, उसके बाद में यहाँ पर गुरु बैठा हो और शनि यहाँ पर बैठा हो, तो अगर ये स्थिति बन रही है कुंडली में आपकी तो बहुत ही प्रबल इसका जो लाभ है, सडन इसका लाभ मिलता है आफ्टर 39, और ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छी उन्नति प्राप्त करता है। ठीक, तो अब बात करते हैं दूसरे की। इसको इरेज कर देते हैं, इन ग्रहों को पहले। और ये अगर इनमें से एक भी मिल जाएगा कुंडली में तो मान के चलिएगा बहुत अच्छा इसका रिस्पांस व्यक्ति को प्राप्त होता है। अब बात करते हैं दूसरे की। तो यहीं पर चंद्रमा बैठा हो, उसके बाद में गुरु दूसरे घर में बैठा हो, तीन नंबर की राशि में, और सात नंबर की राशि में शनि बैठा हो छठे भाव में, और ये जो आपका खाना है ये एकादश भाव बोला जाता है कुंडली में, इसको ग्यारहवां खाना कहते हैं, ये लाभ का खाना होता है। इसमें कोई भी एक ग्रह बैठा हो राहु या केतु को छोड़कर, बाकी जैसे अन्य ग्रह बचते हैं बुध हुआ, सूर्य हुआ, मंगल हुआ, तो उनमें से कोई भी एक ग्रह यहाँ बैठ जाएगा तो ये अपना सेकंड राजयोग बन जाएगा। ठीक, अब उसके बाद में इसको भी रेस कर देते हैं। इसका जो लाभ है व्यक्ति को आफ्टर 41 मिलता है इस राजयोग का, जो सेकंड वाला बनाया। अब बात करते हैं तीसरे प्रकार के राजयोग की। तो चंद्रमा यहीं पर हो, बृहस्पति या गुरु यहाँ पर हो, सात नंबर पे जहाँ पर शनि था पहले राजयोग में वहाँ पर शुक्र हो, और उसके बाद में यहाँ पर पंचम भाव में बुध हो, और एक नंबर यानी कि द्वादश जो स्थान है यहाँ पर मंगल बैठा हो और यहाँ पर सूर्य हो, तो ये बहुत अच्छा राजयोग है। अगर ये बनता है तो ऐसे व्यक्ति के पास बहुत सारे वाहन और बहुत सारी संपत्तियां निर्मित होती हैं आफ्टर 47, लेकिन थोड़ा इसमें लेट रहता है 47 के बाद। ठीक, अब बात करते हैं चौथे प्रकार के राजयोग की। इसको इरेज कर देते हैं। एक भी मिल जाएगा अगर आपकी कुंडली में तो बहुत अच्छा रिस्पांस इसका रहता है। अब यहाँ चौथा प्रकार है, चंद्रमा यहीं पर हो और 11 नंबर पर यानी कि दशम भाव में शनि हो आपका, पांच में सूर्य हो यानी सिंह राशि में चतुर्थ भाव में सूर्य हो, और यहाँ पर सप्तम भाव में गुरु हो, तो ये बहुत अच्छा एक प्रबल राजयोग बनता है। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति को ससुराल पक्ष से बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है, या यूँ कह लीजिए कि शादी के बाद इसका भाग्योदय होता है, पत्नी का बहुत अच्छा सुख प्राप्त होता है, और ये शादी के बाद उन्नति करता ही चला जाता है, उसमें बिल्कुल भी बैक नहीं मारता है। ये चौथा हो गया। अब बात कर लेते हैं, अब बात करते हैं सबसे लास्ट राजयोग की, जिसमें चंद्रमा लग्न में होगा, और इसके बाद जो टोटल चूंकि ग्रह 9 होते हैं, चंद्रमा को यहाँ लेने के बाद टोटल ग्रह बचे 8। 8 में हम दो ग्रहों को निकालेंगे, राहु और केतु को, क्योंकि वो छाया ग्रह होते हैं जिसकी वजह से उनकी दृष्टि का कोई यहाँ पर इस योग में प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो बाकी के 6 ग्रह ऐसे बैठे हो कि सबकी किसी ना किसी प्रकार से दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही हो, तो ये भी एक प्रबल राजयोग है। ऐसा व्यक्ति आफ्टर 45 बहुत अच्छी उन्नति करता है, कई प्रकार के उसके व्यापार होते हैं, मतलब एक से ज़्यादा व्यापार से उसका
धन कमाने का जो जरिया है वो कई व्यापार के माध्यम से होता है। तो उम्मीद है आप सब अच्छे से समझ गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे।